दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, आज टमाटर के बीज निकाल रहा हूँ, ताकि ये जो इसके साथ में जो ये जेली टाइप का जो होता है ना टमाटर के बाहर, ये हट जाता है। इसको फर्मेंट करना पड़ता है बीज बनाने के लिए। तो सिंपली क्या करना है कि जो आपके एक्स्ट्रा टमाटर हैं जो यूज़ नहीं आ रहे या ज़्यादा गल गए हैं, या फिर जो अच्छे हैं टमाटर, जिनको यूनिक टमाटर के आप बीज लेना चाहते हो अपने गार्डन से, तो इस तरह इसको करें और फिर इस तरह इसका इसके बीज निकाल लीजिए। ठीक है, ये बीज निकाली मैंने। ठीक है, जितने हो सके उतने बीज निकल जाएंगे। और फिर ये जो बच गया, इसका जो ऊपर वाला जो भाग बच गया, इसको आप एक्स्ट्रा निकाल दें, ये गाय वगैरह खा लेंगे। इसी तरह देखो, दोबारा दिखाता हूँ आपको। चाकू से थोड़ा सा ऐसे चीरा लगाओ और इस तरह बीज को सबको बाहर निकाल लो। ये जेली वाला साथ में आएगा, इसको मैं बताऊंगा आपको किस तरह क्या करना है। ठीक है, एक और करके दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे टमाटर आया, इसके अंदर चीरा लगाया, इसको इसे निकाला और इस तरह इसके बीज निकाल लिए बाहर। ठीक है, निकालिए। ठीक है, सारे बीज मैंने निकाल लिए हैं, जितने भी मेरे पास टमाटर थे एक्स्ट्रा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, थोड़ा पानी मिलाना है। ठीक है, मैं तो पार्लर पानी मिला रहा हूँ, जो बारिश का पानी होता है मेरे पास है। तो इसके अंदर कितनी क्वांटिटी में मिलाना है कि आप ये बीज सारे डूब जाएं और इसका जो पल्प है वो भी थोड़ा डूबा रहे। ठीक है, अब ये 2-3 दिन के लिए इसको फर्मेंट होने के लिए रख दो। ये जितने भी बीज होंगे ना, ये 2-3 दिन में क्या होता है, फर्मेंट होना शुरू हो जाते हैं। इनके ऊपर क्या है कि इनमें से एक बदबू सी भी आने लगेगी, इन टमाटरों में से। फिर क्या होगा, ये जो बीज हैं मैं आपको दिखाऊंगा, फिर ये जो बीज होंगे ये सेपरेट हो जाएंगे, इजीली अलग कर सकते हैं हम उसको। तो ये एक तरीका होता है टमाटर के, बैंगन के, मिर्ची के, इन सब के ऐसे बीज ऐसे निकाले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, 1-2 दिन बाद में ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। हो सकता है इसके ऊपर वाइट कलर की फफूंद वगैरह भी आपको दिखने को मिले, तो उसमें आप पानी डाल के उसको हटा दीजिए। अब आप इस पानी को इस तरह धीरे 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 निकालते रहें, ताकि ऊपर का जितना भी पल्प वगैरह है वो सब हट जाए। जब इस तरह बच जाए तो इसमें पानी और डाल दीजिए, हाथ से घुमा लीजिए, फिर इसको वापस से धीरे धीरे इस तरह गिरने दीजिए। छोटे छोटे बीज हो सकता है वो गिर जाए, उनको गिरने दीजिए। को एक ऐसी चालनी लेनी है, ठीक है, 3-4 बार भिगोने के बाद में वो सारा पल्प हट जाएगा। फिर आपको ऐसी चालनी लेके उसको इस तरह छानना है। और ऐसे 2-3 बार में पानी डाल डाल के आपको छानना है। टैप के अंदर इसको ऐसे धो लें, अच्छे से धो लें इसको। धोने के बाद में फिर इसको इस तरह फैला के और छाया में सुखा ले। ठीक है, सुखाने के बाद बताता हूँ मैं कैसे दिखेंगे। दोस्तों फाइनली ये बीज जो दिख रहे हैं आपको, टमाटर के बीज सूखने के बाद कुछ ऐसे दिखेंगे। इनको सेपरेट कर लेना और फिर मैंने इसमें हल्दी डाल दी, ताकि ये स्वस्थ रहें, इनमें कोई फंगस नहीं लगे, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा हल्दी डाल के रखा हुआ है। और इसको किसी पैकेट के अंदर स्टोर करके हम रख सकते हैं। यही प्रोसेस था, टमाटर के बीज किस तरह निकाले जाते हैं और उनको तैयार किए जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और भी नई नई वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।